हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि यूपी बीएड काउंसलिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को बीएड की काउंसलिंग का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। जून के सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन 3 चरणों में काउंसलिंग पूरी कराएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को बीएड की काउंसलिंग का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण में फर्स्ट काउंसलिंग, दूसरे चरण में पूल काउंसलिंग और तीसरे चरण में डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान किया जाएगा। काउंसलिंग में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और ब्रांच अनिवार्य रूप से बताना होगा। इसी के साथ आपको खबर दे दें कि बहुत जल्द लखनऊ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट upbed.nic.in पर अपलोड कर देगा। और आइए अब आपको इसका पूरा शेड्यूल बता देते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के सफल अभ्यर्थी 1 जून से वेबसाइट से अपना काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। 6 जून से प्रदेश भर के 33 सेंटरों पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 2 जून को LU के मालवीय सभागार में सभी काउंसलिंग सेंटरों के प्रभारी और कोऑर्डिनेटरों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। ये पहला मौका है जब लखनऊ में LU के बजाय निजी कॉलेजों में BEd काउंसलिंग कराने का फैसला हुआ है। लखनऊ में गोमती नगर स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल, बाराबंकी रोड स्थित गोयल इंस्टीट्यूट और सीतापुर रोड स्थित SR इंस्टीट्यूट को काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक भारी भीड़ से निपटते हुए बेहतर प्रबंधन के लिए ये फैसला किया गया है। इसी के साथ आप घर बैठे चुन सकते हैं अपने कॉलेज। बीएड के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रो नवीन खरे ने बताया है कि काउंसलिंग सेंटर पर काउंसलिंग लेटर देखकर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग फीस के लिए ₹500 और एडवांस कॉलेज फीस के लिए ₹5,000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट LU फाइनेंस अफसर के नाम से बनेगा। इतनी औपचारिकता पूरी होने के बाद अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड OTP बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के LU ने जारी किया शेड्यूल 1 जून से OTP SMS कर दिया जाएगा। OTP मिलने के बाद अभ्यर्थी घर जाकर भी वेबसाइट पर अपनी पसंद के कॉलेज लॉक कर सकेंगे। बीएड के LU कोऑर्डिनेटर प्रो अनिल मिश्रा के मुताबिक हर अभ्यर्थी कितने भी कॉलेज चुन सकता है, लेकिन कॉलेज का आवंटन उसकी मेरिट के मुताबिक ही किया जाएगा। बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जून से शुरू होगी। स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रो नवीन खरे के मुताबिक दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद OTP पा चुके अभ्यर्थियों के पास कॉलेज लॉक करने के लिए 2 दिन का समय होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को उसकी मेरिट के मुताबिक चुने गए कॉलेजों में से किसी एक कॉलेज का आवंटन कर दिया जाएगा। आवंटन के अगले ही दिन अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना कॉलेज आवंटन पत्र का प्रिंट भी ले सकेंगे। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाले और भी अपडेट्स जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल।